हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम स्टडी करेंगे नरेशन की, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। और इसमें हम स्टडी करेंगे नरेशन पार्ट वन की। इसमें मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा नरेशन के, जिसकी मदद से आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये पार्ट वन है, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट वीडियोज़ में रहेगा, पार्ट टू, पार्ट थ्री, और इस तरीके से रहेगा। और उसके बाद में नरेशन के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसके बेसिक्स को समझें। देखिए, नरेशन बेसिकली है क्या, इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, नरेशन भी बोलते हैं। नरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नरेट करना, उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये नरेशन का मतलब है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को जब आप नरेट करते हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक डायरेक्ट तरीका हो सकता है और एक इनडायरेक्ट तरीका हो सकता है। डायरेक्ट तरीका ये है, सपोज़ आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप अपने बॉस के पास गए और आपके बॉस ने आपसे बोला कि आई एम बिज़ी नाउ, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आई एम बिज़ी नाउ। तो इस सेंटेंस को सपोज़ एक दिन बाद आप कहीं पर लिखते हैं या इसकी रिपोर्टिंग करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ही सैड, और इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख सकते हैं कि आई एम बिजी नाउ, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास का ये मतलब ये है कि उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग, आपके बॉस ने आपसे जो वर्ड कहे थे उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग को आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ये है कि आपने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए और उनकी जो एग्जैक्ट वर्डिंग थी उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, ठीक है। और यदि इसी वर्डिंग को आप चेंज करके अपने हिसाब से कहना चाहते हैं, अपने हिसाब से इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें कुछ चेंजेज करेंगे, ठीक है। देखिए, एग्जैक्ट वर्डिंग को आप इस तरीके से बोलेंगे कि ही सैड आई एम बिजी नाउ। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। यदि इसको आप अपने हिसाब से बोलेंगे या एक दिन बाद या दो दिन बाद बोलेंगे, तो इसको आप इस तरीके से बोलेंगे ही सैड दैट ही वॉज बिजी देन, ठीक है। तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसको आपने अपने हिसाब से बोला, उनकी जो वर्डिंग थी उसको आपने अपने हिसाब से रिपोर्ट किया। तो ये होता है, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच और इस सेंटेंस को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ये है आपके बेसिक्स, ठीक है। तो ये आपको समझना है, जब आप किसी स्पीकर की एग्जैक्ट वर्डिंग को लिखते हैं ये रिपोर्ट करते हैं तो हमेशा उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, और जब आप उसको उनकी वर्डिंग को चेंज करके अपनी वर्डिंग में कहते हैं तो उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब देखिए, इस सेंटेंस को आप पढ़िए ध्यान से और इस सेंटेंस को आप पढ़िए ध्यान से, ठीक है। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में आपको चार या पांच अंतर दिखाई देंगे। देखिए, इस सेंटेंस में क्या है कि इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। तो ये हो गया आपका एक डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखिए, इस सेंटेंस में मैंने लिखा है आई और इस सेंटेंस में मैंने लिखा है ही, यानी प्रोनाउन मैंने चेंज किए हैं। तो दूसरा जो चेंज हो गया वो हो गया प्रोनाउन का, ठीक है। तीसरा चेंज देखते हैं, इस सेंटेंस में मैंने लिखा है एम और इस सेंटेंस में मैंने लिखा है वॉस, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा सेंटेंस। अब देखिए, इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं और इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर डेट लगा हुआ है, जिसको हम कनेक्टर बोलते हैं। तो एक सेंटेंस, एक चेंज ये हो गया कनेक्टर। अब और देखते हैं, इस सेंटेंस में नाउ लगा हुआ है और इस सेंटेंस में देन लगा हुआ है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा वर्ड का चेंज। अब ये है बेसिक नरेशन का। यदि इस चीज को आपने समझ लिया तो नरेशन को आप आसानी से कर पाएंगे। ये जो चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये है इसका इसका क्रक्स है, इसका निचोड़ है नरेशन का, कि नरेशन के एक सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें आपको ये पांचों चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए नरेशन थोड़ा सा स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है पैसिव वॉइस की अपेक्षा। पैसिव वॉइस सरल है, लेकिन नरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि डायरेक्ट स्पीच के एक सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आपको ये पांचों चेंज करने पड़ेंगे, और इन पांचों चेंज के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे इन्वर्टेड कॉमास के अलग अलग रूल्स हैं टेंस के हिसाब से, प्रोनाउन के अलग अलग रूल हैं, टेंस के अलग अलग रूल हैं, कनेक्टर के अलग अलग रूल हैं, और एक्स्ट्रा वर्ड के अलग अलग रूल हैं, ठीक है। तो इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, इनसे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
इनको मैं पार्ट बाई पार्ट आपको बताऊंगा। जैसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्टर को किस तरीके से चेंज करना है, ठीक है। तो कनेक्टर आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि टेंस को किस तरह से चेंज करना है, फिर मैं बताऊंगा प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करना है, और फिर मैं बताऊंगा कि एक्स्ट्रा वर्ड को किस तरीके से चेंज करना है। तो ये चारों चीज़ें जब आप चेंज करना सीख जाएंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन्वर्टेड कॉमास सॉरी नरेशन में और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको समझिए आराम आराम से और आसानी से। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, और डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो उसमें हम ये सारे चेंजेस करते हैं, और आवश्यक रूप से आपको हर सेंटेंस में ये पांचों चेंज करने ही होंगे, तभी आप उसको करेक्टली कर पाएंगे। तो इस वीडियो क्लास में मैंने आपको कनेक्टर के बारे में बताया कि कनेक्टर को आप किस तरीके से टेंस के हिसाब से अलग अलग सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। तो पहले इस वीडियो क्लास में आप कनेक्टर को समझिए, बाकी पर ध्यान मत दीजिए अभी कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, टेंस कैसे चेंज होगा, एक्स्ट्रा वर्ड कैसे चेंज होंगे, टेंस कैसे चेंज होगा, वो मैं आपको आगे के वीडियोज में बताऊंगा। जैसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्टर किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। फिर पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कि टेंस किस तरीके से चेंज होगा, फिर मैं बताऊंगा कि प्रोनाउन किस तरीके से चेंज होगा, और फिर मैं बताऊंगा कि एक्स्ट्रा वर्ड किस तरीके से चेंज होगा। तो जब ये सारी चीज़ें सीख लेंगे आप, तो मैं आपको सिंपल और एलिमेंट्री वाले नरेशन के जो सेंटेंसेज है वो करवाऊंगा, और उसके बाद एडवांस लेवल के जो सेंटेंसेज हैं नरेशन के वो मैं आपको करवाऊंगा, और इस तरीके से आप नरेशन को सक्सेसफुली आप कर सकते हैं। देखिए नरेशन का और पैसिव वॉइस का जो पार्ट है SSC एग्ज़ाम में, पर्टिकुलरली SSC CGL टीयर 2 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। करीब 40% पोर्शन नरेशन का और पैसिव वॉइस का रहता है CGL पार्ट 2 में, तो डेफिनेटली काफ़ी स्कोरिंग है ये, और इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं पैसिव वॉइस में और नरेशन में, यदि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें। तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। इससे बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, ही सैड माई नेम इज़ राजू, तो इसमें दो पार्ट हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग पार्ट, और इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड पार्ट, ठीक है। तो रिपोर्टिंग पार्ट की जो वर्ब है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। सिंपल सा आपको ये समझना है, ये है आपका रिपोर्टिंग पार्ट, ये पूरा ही सेट जो हुआ ये रिपोर्टिंग पार्ट हुआ, और इसकी जो वर्ब है ये हुई रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टेड पार्ट हुआ, तो इसमें जो भी वर्ब आएंगी वो आपकी रिपोर्टेड वर्ब आएंगी। जैसे ये वाला सेंटेंस है, ही सेट वॉक स्लोली, तो वॉक यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपको क्या चीज़ समझनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एक्सक्लेम्ड, प्रेड। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेंटेंस लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा है, सपोज यहाँ पर रिक्वेस्ट से संबंधित एक सेंटेंस लिखा है, तो जब डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सैड की जगह यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पर कोई सेंटेंस ऑर्डर से संबंधित लिखा है तो यहाँ पर आप कर देंगे ही ऑर्डर्ड, यहाँ पर रिक्वेस्ट से संबंधित है सेंटेंस तो यहाँ पर आप कर देंगे ही रिक्वेस्टेड या शी रिक्वेस्टेड, और यहाँ पर कोई आश्चर्य से संबंधित कोई सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन से संबंधित कोई सेंटेंस है तो यहाँ पर आप कर देंगे ही एक्सक्लेम्ड। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंस और अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। तो एक तो आपको ये बेसिक समझना है, और दूसरा आपको क्या समझना है, जैसे यहाँ पर लिखा है सैड, ही सैड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि उसने कहा, लेकिन किससे कहा ये नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर यह नहीं लिखा कि ही सेड टू मी, यहां पर केवल लिखा है ही सेड, ठीक है। तो यहां पर यदि लिखा होगा ही सेड टू मी तो आप सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप टोल्ड कर देंगे, क्योंकि टोल्ड के लिए किसी भी चीज को बताने के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। सपोज एक व्यक्ति यहां पर है और एक व्यक्ति यहां पर है, तो यदि आप बताएंगे तो किसी सेकंड पर्सन को बताएंगे तो सेकंड पर्सन का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें यदि सेकंड पर्सन है, ही सेड के बाद यदि यहां पर लिखा है ही सेड टू मी तो यहां पर आप कर देंगे ही टोल्ड मी। और एक चीज और ध्यान रखिए कि सेड के बाद हम टू लगाते हैं, और लेकिन टेल के बाद या टोल्ड के बाद हम टू नहीं लगाते, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको तीन बेसिक चीजें बताई, एक तो सेड के बाद यदि मी लगा हुआ है, ही सेड टू मी, यदि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो सेड को आप टोल्ड में चेंज करेंगे,
रिपोर्टिंग वर्ब को आप अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आप चेंज करेंगे उसको, उसमें आप लिखेंगे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, इस तरीके से लिखेंगे। और ये दो मैंने यहाँ पर आपको बेसिक्स बताए हैं, तो इसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, ही सैड वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो जब इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन वाला ये सेंटेंस है जिसमें इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है, इसको मैंने इन्वर्टेड, इसको मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज किया तो इस सेट का मैंने आस्क कर दिया। इस सेट का आस्क इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन का सेंटेंस है, इसलिए सेट की जगह मैंने कर दिया आस्क। तो एक ये बेसिक चीज़ें, बेसिक चीज़ आपको अभी समझनी है। अब यहाँ पर देखिए, ही सेट टू मी, ही सेट टू मी, यहाँ पर सेट के बाद एक ऑब्जेक्ट दिया है मी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कर दिया ही टोल्ड मी, या ही सेड टू मी का मैंने कर दिया ही टोल्ड मी, और टोल्ड के बाद मैंने टू नहीं लगाया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको समझना है। और यहाँ पर मैंने यही लिखा है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि आफ्टर द वर्ब सेड टू इज़ यूज्ड, एंड आफ्टर टेल और टोल्ड टू इज़ नॉट यूज्ड। और ये जो वर्ब हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर और फॉरबेट, इनके बाद भी हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ नहीं करते। तो ये सारी बेसिक चीज़ें यदि आपको समझ में आ रही हैं अच्छे तरीके से, तो आप नरेशन को बहुत आसानी से और बहुत करेक्टली, सक्सेसफुली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कनेक्टर कि किस तरीके से अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कनेक्टर का आप यूज़ करेंगे। देखिए, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, इन सेंटेंस में, मतलब इन सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप कनेक्टर यूज़ करेंगे दैट। ठीक है, एक तो ये बेसिक आपको समझना है। ये तीन तरह के सेंटेंस मैंने बताए, एक तो होता है असर्टिव, मतलब सिंपल सेंटेंस, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई एम ए टीचर, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब जिसमें आप कोई चीज़ स्टेट करते हैं जो सिंपल होती है, बिल्कुल, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये होंगे असर्टिव सेंटेंस। ये दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जिसमें आप एक आश्चर्य जताते हैं, जैसे आप बोलते हैं वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, इस तरीके से जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो प्रे और विश वाले होते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुशी खुश रखे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। आश्चर्य वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल होते हैं, जिसमें हम कोई चीज़ असर्ट करते हैं, स्टेट करते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, तो इन तीनों तरह के सेंटेंस में हम कनेक्टर के रूप में क्या लगाएंगे, हम कनेक्टर के रूप में लगाएंगे दैट। सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल क्वेश्चन और एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे यदि आप बोलते हैं, जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि आर यू ए स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे यस। ठीक है, तो चूंकि इसका जवाब यस में आ गया इसलिए सेंटेंस हुआ सिंपल क्वेश्चन। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि वेयर डू यू लिव या व्हाट डू यू स्टडी, तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते। इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन में हम जो कनेक्टर लगाएंगे वो लगाएंगे इफ़ या वेदर, और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस में हम जो कनेक्टर लगाएंगे वो लगाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब जो डब्ल्यू एच जो क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि वेयर आर यू गोइंग, ही सैड वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें जो कनेक्टर होगा वो होगा वेयर, मतलब जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा वही कनेक्टर के रूप में काम में आएगा वहाँ पर। और इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जैसे ऑर्डर वाले होते हैं, रिक्वेस्ट वाले होते हैं, जैसे जैसे यदि मैं बोलूँगी प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ गो अवे, प्लीज़ डू योर वर्क, ये जो सेंटेंस होते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, और इसमें हम कनेक्टर के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। तो ये चार चीज़ें आपको समझनी है कि असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनमें हम दैट का प्रयोग करेंगे कनेक्टर के रूप में, सिंपल सेंटेंस में हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हम डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे, और इंपेरेटिव सेंटेंस में हम टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यहां पर मैंने एग्जाम्पल देखे बताया, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, ये असर्टिव सेंटेंस है। आर यू ए स्टूडेंट, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए इसमें। और वेयर डू यू स्टे, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। प्लीज सिट डाउन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और शी सैड अलास आई एम अनडन,
ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये आपका मे गॉड ब्लेस यू, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये यहाँ पर मैंने सारे आपको सेंटेंस एक्सप्लेन करे हैं, और किस किस सेंटेंस में कौन सा कनेक्टर लगेगा ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल, ही सैड आई एम ए स्टूडेंट, तो ये किस तरह का सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसलिए इसको जब मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है, तो इसमें मैंने दैट का प्रयोग किया है। ही सैड दैट ही वॉज ए स्टूडेंट, इस दैट को आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब है कि इसको आप अगर राइटिंग कर रहे हैं, अगर लिख रहे हैं, तो इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप ना भी लिखें तो भी वो सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। ही सैड दैट ही वॉज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, ही सैड टू मी, यहाँ पर केवल सैड है तो सैड का मैंने सैड ही किया, लेकिन यहाँ पर ही सैड टू मी है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने टोल्ड कर दिया। और चूंकि ये भी आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर मैंने कनेक्टर के रूप में दैट का प्रयोग किया। यहाँ पर देखिए, शी शेड अलास आई एम अनडन, यहाँ पर चूंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और अलास का मतलब होता है दुख व्यक्त करना, तो यहाँ पर मैंने बोला शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट सी वॉज अनडन, तो यहाँ पर भी मैंने कनेक्टर के रूप में दैट का प्रयोग किया है। बाकी के चीज़ें जो जैसे प्रोनाउन है, टेंस है, वो अभी आपको नहीं समझना है, अभी केवल और केवल आपको कनेक्टर का प्रयोग समझना है। जैसे देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर भी मैंने दैट का प्रयोग किया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, सिंपल क्वेश्चन, असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन तीनों में ही आपको दैट कनेक्टर का प्रयोग करना है। अब यहां पर देखिए, ही सैड आर यू ए स्टूडेंट, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने यहां पर कनेक्टर के रूप में क्या लगाया है, इफ या वेदर लगाया है, इफ लगाया है। ही आस्क्ड, चूंकि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर, तो इसलिए सेट का मैंने क्या कर दिया, आस्ट कर दिया, और कनेक्टर क्या लगाया, इफ लगाया। इफ क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ही सेट टू मी आर यू ए टीचर, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, ही आस्ट मी इफ आई वॉज ए टीचर, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी मैंने इफ का प्रयोग किया है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ही सेट वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर की जगह मैंने वेयर ही लगाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें समझना है, ये बेसिक्स हैं नरेशन के, और इस पार्ट में केवल कनेक्टर मैंने आपको बताया है। ये देखिए, ही सेड टू मी प्लीज सिट डाउन, तो चूंकि यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कर रहा है वो, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन, यहाँ पर कनेक्टर क्या लगाया है, टू। टू क्यों लगाया है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। स्टैंड अप, ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो कनेक्टर क्या लगाया है, टू लगाया है। चूंकि यहाँ पर हेडमास्टर जो है वो ऑर्डर दे रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्डर, ही द हेडमास्टर ऑर्डर्ड। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने आपको केवल कनेक्टर के बारे में और कुछ बेसिक्स आपको नरेशन के बताए हैं। इसका जो बाकी का पार्ट होगा, बाकी पार्ट्स को हम किस तरीके से चेंज करते हैं, वो आप पार्ट टू में आप देखिए, और इस वीडियो को 2 या 3 बार आप अच्छे तरीके से देखते हैं, तो ये पूरा पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके रिमेनिंग पार्ट, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इन रिमेनिंग पार्ट्स को ख़त्म करने के बाद मैं आपको बेसिक्स की, एलिमेंट्री सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल के जो सेंटेंसेज हैं, जो CGL लेवल के जो सेंटेंसेज हैं, उनकी मैं आपको इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो इस लेक्चर को एक बार फिर से आप देखें, डेफिनेटली ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।